अगर एक आदर्श सुशान नहीं हुए तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? तो आज श्राद्ध है दादा दादी का और आज श्राद्ध है दादा दादी का और ज्योति के पापा जी का, यानी तो श्राद्ध का खाना बना हुआ है, पूरी, छोले, आलू, रायता, खीर। और यहाँ बैठी है छोटा चेतन। अमर पक्का नहीं दे रही हो? नहीं। गुड मॉर्निंग। एड स्किप हो गया, देखो आ गया। क्या बन रहा है? इधर बन रहा है मम्मी का सूप। आज थोड़ा ज्यादा बनाया था कि तुम भी पी सको। पर मुझे तो मम्मी ने सिर्फ चाय के लिए बुलाया, सूप के लिए नहीं बुलाया था। तो ये है घी टमाटर का सूप जो मम्मी के लिए ऑलमोस्ट एवरीडे बनाते हैं, मैं बनाती हूँ। और ये बन रही है चाय। शाबाश भाभी की, मेरी और तुम्हारी। क्या डिजाइन बना के लाई है जो देखो, ये चार बिस्किट ऐसे, चार बिस्किट ऐसे। लोग कहेंगे उसके पास यहाँ के लिए भी काफ्तानी थे। मम्मी तो ना गुब्बारे बुलाती हैं, काफ्तान बुलाती नहीं है। नीचे आ रही, गुब्बारा ना पहन के आई, ढंग के कपड़े पहन के आई। और मम्मी ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए कि तुम इसमें इस सीमा को लांग के बाहर नहीं जा सकती ना। आज सामने चली गई थी तो मम्मी कह रही इसके बाहर नहीं जाना, तो नहीं पहन के होगा, अभी ये पुराना हो गया। मैंने कहा मम्मी क्या हो गया इसको, कह रही एक तो रंग चढ़ाया हुआ है, ऊपर से घिसा हुआ है। मुझे ऐसी कमियां क्यों दिखती है अपने कपड़ों में? नहीं, अभी ये डस्टिंग के काम आएगा घर पे। इसके 16 टुकड़े, इसके 16 टुकड़े करके तुम्हारे है ना मम्मी, कर दूंगी मैं। मेरे तो तुम तुम्हारे 32 कर दूंगी। देख लो, खाई ना मम्मी से, खाई अच्छा हुआ। ये पेरिस कुतौर वीक से लाई थी ना तुम? पेरिस कुतौर वीक, कतार क्या, कतरन वीक, कतरन वीक से लाई थी मैं, पेरिस कतरन, कतरन। नहीं नहीं ये तो अच्छा था, ये तो तब रंग नहीं चढ़ा था यहाँ पे, थोड़ा सा इसका बुरा हाल हो गया तो नाइस। पुराने जमाने सिलाई मशीन ढकने के कपड़ा यूज नहीं होता था? नहीं यार, वॉशिंग मशीन पे भी आ सकता है, उस पे दे लेना सर। हाँ। ये बात तो सही है। विद इन 5 मिनट्स ज्योति तुमने दो खा लिए। मैं बदर खा ली, मम्मी चेंज हो जाए। पर तुम टांगे हिलाती क्यों? ऐसे हिलते रहते, पहले शांति भाभी को मिलो। हेलो नमस्ते भाभी, डू यू माइंड? अच्छा अच्छा, मोस्ट फेवरेट शांति भाभी है। ओके, ये हमारी वीडियोस देखती हैं बाय द वे, सोशल वर्कर। हाँ। अच्छा, ये बहुत स्ट्रेस को बहुत खिलाती है यार। अरे वाह, शी इज द वन जिनके बारे में तुम बता रही थी। अब मैं नहीं अगर चेंज हो पा रही तो फिर आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। मैं अब जाऊंगी जरा प्रदीप से पूछूंगी इसका भी इलाज है। मेरे अपने डॉक्टर से पूछूंगी इसका इलाज। मेरी हालत है ऐसे, कुछ ना कुछ हिलाती रहती हूँ और मम्मी से गालियाँ खाती रहती हूँ। मम्मी से नहीं, पूरे परिवार से टोकती रहती है, भैया भी टोकता रहता है। अच्छा, वैसे तुम 5 मिनट में दो खा चुकी हो। 5 मिनट हुए बैठकर भी गालियां खा चुकी दो बार। अभी चाय खत्म होने तक मुझे लग रहा है तुम 3-4 तो खा जाओगी कम से कम। आदत है तो मेरी ऐसी है, मुझे तो ये समझ नहीं आता हमारी किस्मत ही साला खराब है। क्यों? जहाँ जाते हैं कमल ही अड़ जाती है। ये गुड वन, गुड वन, गुड वन ना। पहले हमारी हटी हुई है वहाँ पे काम वाली, यहाँ हम आए तो यहाँ वाली बैठा दी हमने। मनुष्य है, काम वालियों के लिए अच्छे नहीं हम लोग। अपना टाइम जैसे था वैसे पूरा करके गई है। तो आज जो है, आज अगर आप देख रहे हो ब्लॉग में क्यों थोड़ा हम चाय वाय बना रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जो हेल्पर है हमारी वो जा चुकी हैं आज, उनके यहाँ पे किसी की डिलीवरी थी तो वो करवाने के लिए गई हैं कुछ दिन के लिए, फिर वापस आ जाएंगी होपफुली। चाय पी के बताओ तुम अपनी कैसी बनाई है तुमने? दोपहर को बहुत अच्छी थी। अब ये ओके ओके है, ये उससे कम है। अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत मजा आया। और पता है आप मानोगे, भगवान की कसम मैंने अपने अदरक डालते हुए हाथ इसलिए रोका कि यार भाभी को ओवर अदरक कहीं अच्छा ना लगे। तभी तो मुझे भैया की पसंद आ जाए, भैया ओवर अदरक डाल। कैसी लग रही है अभी आपको चाय? अभी मतलब कम है ना उससे, दो नंबर कम। ज्योति तुम्हें कैसी लगी तुम्हारी चाय? मेरे को भी ओके ओके ही लगी है। अगल बगल से वो आ रही है रिक्वेस्ट आ रही है कैसा व्लॉग बनाना है। मैं कहा तीसरी बेइज्जती और हो चुकी मम्मी, इस बार कैमरे पे करना, मैं बता रही हूँ बार बार। आई क्या हुआ, अच्छा नहीं बना, नमक तेज और नमक नहीं है, नमक नहीं है वो कोई बात, उस पर इलाज है। चार होगी चाय एक तो तुमने इतनी अच्छी बना दी है ज्योति, आज तुम्हारा हाथ नहीं सही चल रहा मुझे लग रहा है। कुछ नहीं, नमक कम है यार, पहले पेशेंट के लिए पहले कम चीज डालनी हमेशा ठीक रहती है। लाओ में डाल के लाओ। एक तो चम्मच मिले, एक नहीं, ओके नहीं होने की।
पांचवी होगी, जाओ जाओ जाओ। पांच होगी, पांच। चलो यार ऐसे ही आप में जान रहे हैं बस, नहीं तो जिस दिन मम्मी ऐसे हो जाती है ना उस दिन तो मम्मी से कोई बात करो बड़ी मम्मी, पता है ऐसे ऐसे कि मम्मी के मम्मी पता है ऐसे ऐसे ऐसे। विनाया बन गई है सुपरमैन। विनाया हाथ दिखाओ अपना, आपको कहाँ लगी चोट? देखो ऐसे चोटी लगी थी, कैसे लगी बाबू ये चोटी आपको? मम्मी ने मुझे पानी में गिराया था मंडी, जब हम मंडी गए थे तो नीचे पानी था गंदा, तो बाबू ने मुझे धक्का मारा और मैं गिर गई। धक्का नहीं मतलब खेल खेल में लगी ना आपको, खेली खेली कर रहे थे ना आप लोग? पंडित जी के पास जा रहे थे। मैं क्या करती, मैं मासी के पास जाऊंगी। भाभी भाभी इज रेडी, हम लोग सब जा रहे हैं अभी नाडा साहिब, तो मैं आप लोगों को कुछ नए मेंबर से मिलवा देता हूँ। इसको आप जानते हो ये बाबू, एक सेकंड रुक जा, तेरे को भी ले रहा हूँ गोदी में। अच्छा ठीक है, हम दोनों आते हैं, मेरे को भी आना है। तुम्हें भी आना है तो तुम्हें फिर वहाँ जाना पड़ेगा ना, अगर आना तो पहले इंट्रोड्यूस करा दे सबको। ये बबिका है, बबिका के साथ है परी, परी एंड दैट्स चिंकी, चिंकी दीदी ना, हाँ चिंकी दीदी, और ये है चिंकी दीदी की मॉम एंड भाभी की मॉम, और ये है ये पड़ोसी हमारी, हैंगर लेके बस पता नहीं क्यों घूमती रहती है ये। ज्योति आयन कर रही है अपना, मैं अपना नहीं मम्मी का। भैया कर लिया आपने? रेडी भैया, भैया मेरा बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है, सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी। आज हम लोगों ने, वैसे आपको बता देते हैं, मैंने भैया ने ज्योति के व्लॉग में गेस्ट अपीयरेंस दिया है, मतलब मेरा तो बहुत बार अपीयरेंस होता है लेकिन भैया का आई थिंक फर्स्ट टाइम इतना लंबा अपीयरेंस होगा भैया का व्लॉग में, नहीं यूजुअली व्लॉग्स में ही आते हैं ना, नहीं तो हाँ तो इस बार यस वो तो बहुत ही आप बोलो आप बोलो। हम लोगों ने बहुत वीडियो बनाई फूफाजी के साथ, फूफाजी के साथ, फूफाजी के साथ, पापा के साथ, जो कि वो के ड्राइव पे है, जाके देख लो। सब्सक्राइब देना ना, सब्सक्राइब कर लेना। अब बता दो हम कहाँ जा रहे हैं? हम शॉपिंग हम जा रहे हैं नाडा साहिब, हम शॉपिंग जा रहे हैं, विनाया जा रही है शॉपिंग, हम सब जा रहे हैं नाडा साहिब। ठीक है, उतरना नहीं है, नाडा साहिब जाओगे तो आपको तो लेके चलेंगे बच्चा, आपके बगैर तो जा ही नहीं सकते है ना। अब दो मिनट उतरोगे, मैं लेफ्ट हैंड को आराम दे दूं, फिर राइट हैंड में आ जाना आप। ये विनाया का हेयर बैंड है, और ये क्या पहना है? ड्रेस। ये विनायक का आउटफिट दिखाओ पहले ढंग से, रुको तो सही एक जगह पे। विनायक का आउटफिट कंप्लीट हो गया, ये रहा। चलो मास्क आ गया, मास्क पाओ। वेरी गुड। अरे वाह, चले बाबू मास्क कैसे पहनती है? पाउडर डाल के अंदर और फिर झाड़ के। ज्योति भाभी एंड दीदी एंड आंटी आर गोइंग इन दिस कार विद विनाया एंड वी आर कमिंग विद भैया। चलो सी यू। वो लोग ज्योति और भाभी उस गाड़ी में, उन्होंने पहले बोला था फ्लाईओवर से जा रहे हैं, तो भैया और मैं पहले ही चढ़ गए फ्लाईओवर पे, अब भाभी और वो चढ़ रहे फूफा की गोदी।
चलो जी, बहुत बहुत बढ़िया दर्शन हो गए हमारे। ज्योति तो हलवे के पीछे लगे, हर बार यही करती है, हलवा ले लेती है अपने हाथ में, फिर जो चिकनाहट होती है मेरे कपड़ों से पोंछ देती है। तो प्यार तो कर ले यार। नहीं नहीं, ये वाला प्यार नहीं। जल्दी डाल के आओ, जल्दी एक से जगह जाओ भैया, ये डालना है भैया, जल्दी इसको बोल दो। उधर मैं डाल के, ये कौन है सुंदर सुंदर बीबी, सुंदर सुंदर बीबी विनय, मेरे लिए एक डायलॉग बोलोगे? डायलॉग अगर एक आदर्श तो शाही नहीं होए तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? हाय, ऑस्कर ले लिया तूने, ऑस्कर इस बात पे मैं बन गया। लाइट अपने खोली है क्या? हाँ भैया। अच्छा नहीं, भाषा इसकी कहाँ है तुम्हारा, कहाँ है गुब्बारा? अच्छा तो प्यार से बोल दो। हाय रब्बा, एक पल को आप सरकार की चेयर ले सकते, एक पल को आप सरकार की चेयर ले सकते, लेकिन विनायक की चेयर सोचना नहीं। मैं इतना डरता था हट से कि मंडे को होता था आहट आता था, तो बस ये होता था कि आहट आ गया, टीवी चलाओ चाहे ना चलाओ आहट आ गया। मैं इतना डरता हूँ, छत पे नहीं जाता था ये। अगर मम्मी कच्चे में बैठी होती थी ना, या बाबूजी के घर पोर्शन में बैठी होती थी, हाँ। थी जा जोती बिनू जा के जा बिनू पानी लग गया अंदर से, नहीं ये है खीर लगी, क्या गुनगुन लग गया? नहीं खीर लगी, सुनो जनता पहचान ही नहीं, चाट गई। अबे खीर थी यार। नहीं ये वीडियो में करना पड़ा इसको, सुनो अगर मम्मी मुझे भैया को बोलती थी ना बिनू जा पानी ले आ जरा, तो भैया मुझे लेके चलता था क्योंकि मैं नहीं डरती थी। और किचन कितनी दूर होती थी रूम से, बाहर निकलो तो सामने किचन। भैया एक बारी आपको छोड़ भी आई थी ना कहीं, तो रास्ते में छोड़ आई थी आपको ना ज्योति, देवबंद में, देवबंद में मम्मी देवबंद वाली कहानी बताना, इसको छोड़ा ये खो गई थी, ये खो गई थी ज्योति तो वो, एक सेकंड ये खो गई थी, ये लड़की पिछले 4 सालों से मुझे कहानी सुना रही जिसमें आप खो चुके थे और ये आपको ढूंढ के लाई थी। मेरी कितनी हड्डियां तोड़ी थी, ये तो और बेटर कहानी। तो पता कहां ज्योति तो कहां चली गई थी, जलायु भाव हम लोग ढूंढ के पागल, ये पतंगों के पीछे गई थी, वो नीचे उसके कौन था सरदार जो तू कथा सुनते हुए तू वो खुद सो जाता। एक सरदार अंकल थे किराए पे हमारे घर में नीचे, वो भैया को बोलते थे मुझे गुरबानी सुनाओ, नहीं सत्यनारायण की कथा। अच्छा सत्यनारायण, भैया सुनाता था वो सो जाते थे। ऐसे नहीं, मोना अंकल थे, मोना वो हमारे नाना जी के नीचे रेंट पे रहते थे। अब होता क्या था, जब मैं जाता था उन्हें मैं बड़ा अच्छा लगता था, मुझे कहते तो पता है उनका पेट ऐसे था और वो बनाए पहले थे, तो ऐसे बैठ जाना उन्होंने, उन्होंने ऊपर देखना मैं फर्स्ट फ्लोर पे होता था, काके आ जा पुत्र कथा सुनानी है। अच्छा मैं बड़ा खुश होता तो मेरे से कथा सुननी है, मैं कथा चलाने मैं तो लेके बैठ गया, मैं बड़ी कंसंट्रेशन के साथ, अंकल बड़े खुश होंगे शाबाशी देंगे। मैं देखता था कि सत्यनारायण की कथा चल रही है और बीच में अंकल, और ये सच्चाई है मुझे आज तक, जब कथा हो गई कह रहा अंकल उठ जाओ कथा पूरी हो गई। अब मैं बोलूं, अब मुझे वो वाली प्रॉपर कहानी बता दो। मैं बताती हूँ, वही मोने अंकल के बच्चे पतंग लेने जा रहे थे, तो तू उनके पीछे पीछे पतंग के चक्कर में चली गई। अच्छा हाँ, वो तो आ गए घर, तू घूमती घूमती कहीं किसी के घर पहुंच गई, हमें नहीं पता कहाँ पहुंची। डैडी आ गए घर गुस्से में, 2-3 घंटे हो गए, दो घंटे हो गए थे, पर डैडी ये कह रहे कि तू घबरा ना, मिल जाएगी तेरी कुड़ी को। मैं रोऊं, तुमने मेरे लिए रोए मम्मी, तूने पहना हुआ था कुर्ता पजामा, मेरी मम्मी मेरे लिए रोई थी, इसने पहना हुआ था कुर्ता पजामा, मुझे लगा मम्मी अभी सिर्फ इसलिए रोती कि खोए कहीं। कोई गली घर ऐसा नहीं था जहाँ हमने पूछा नहीं कि हमारा बच्चा तो नहीं है। फिर एक जगह जाके पता लगा कि एक बच्चा है गया। नहीं, हुआ क्या था, ज्योति के मुंह से कुछ बाबूजी के बारे में निकल गया था, तो उन्होंने कहा था अच्छा ये तो कालू सुपर वाले के घर है। फिर हमें तो किसी ने, तो बाबूजी हमारे बड़े मशहूर थे, हमारे बाबूजी क्या थे उस टाइम में, यानी कि 90s की बात है, बाबूजी मतलब नाना या दादा, नाना जी हां रखते होते थे, और उनकी माउजर होती थी छोटे से बैग में, और वो मशहूर थे कालू सब्बरवाल के नाम से, कालू पंजाबी। तो उन्होंने बताया अच्छा कालू पंजाबी घर है, तो फिर वो लेके आए। अच्छा खुद लेके आए? नहीं बाबू मैं ही गई थी वहाँ पे, ये बैठी हुई थी कुर्ते पजामे में, एक चप्पल थी इसके पैर में, एक थी नहीं। बच्चा मिल गया, एक थी हमारे वहाँ तोती, हमारी वो
बुआ वो भाई बुआ, वो कह रही पप्पी तेरी तो लोंडी को वो लोंडा समझ के ले गए वो मिलती वो तो लोंडा समझ के ले गए तेरी लोंडी को लोंडा समझ के ले गए फिर इसका याद है इसकी वो उंगली आ गई हाँ, कार वो बताओ 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 उंगली ये तो वक्त गई थी और डैडी ने मुझे इतने मारा था पीछे डैडी मतलब नाना ना, अच्छा नाना जी आपके डैडी ये सा इसकी उंगली आ गई थी दरवाजे में ची 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 दीवार में थी कहाँ है निशान नहीं ये वाली चीज होती मैं तो नहीं गाऊ मतलब अगर अपने बचपन की तरह याद करती हूँ मैं उस उंगली छिती हुई देख के पता है कमल मेरी ना उंगली आ गई थी ये वाली नहीं पता नहीं ये वाली उंगली आई थी बचपन उस दिन क्या हुआ मम्मी दवाइयां पता है कुछ सामान निकाल रही थी एक बैग से मैंने कहा मम्मी मैं कहा मम्मी ये बैग ये तो बड़ा पुराना बैग है मम्मी कह रही ले ले रोयो ना सब लोग ये सोच रहे हैं रात का टाइम चल रहा है हमारी शहनशाह नहीं हमारे बीचों बीच गई हुई है अरे आप बोल रहे थे ना कोई तो भैया आप भी वैसे बैठो गैप हो गया देखो ओ यार ये गया गया यही गया ये ले बैठ गए तो अभी क्या हुआ इस साइड पे जहाँ पे इस वक्त भैया बैठे हैं वहाँ पे ये भाई का सोफा टूट गया ये जो लड़की है ये बैठी सोफा टूट गया नहीं इसलिए नहीं बना नहीं ये टूट गई ये मेरे बैठने से टूट जाएगा मुंह यार हाँ बच्चा तू कूदी ना उसके ऊपर इसलिए ज्योति तू बैठ तो सही तरह के इधर होके ना जैसे स्लाइड हो रहा मैं नहीं नहीं पता चल रहा है साफ दिख रहा है आराम से बैठ के देख तू भाभी को नहीं पता चलेगा उनकी तशरीफ ही इतनी बड़ी है इधर आके देख सी द डिफरेंस ये उठ रहा है वो नीचे चला गया 185,000 मैं बैठी और फिर तो टक की आवाज आई भैया कह रहा 185,000 क्यों एक सोफा तो आधे का हुआ ना नहीं तो दोनों जाएंगे 92,500 और इसकी एक सीट है ना तो यानी 47,225 तो स्क्वायर फुट लगा ले तू है मैं आने वाली थी वहीं पे चलो जितने मिलते हमारे को फ्री में हो जाना तो जितने देने हो वो आगे उसका भी ले जाओ आगे चलो अच्छा हम लोग नाडा साहिब है ना हाँ नाडा साहब जाके आगे थे तब से बस बैठे और इतनी बातें चल रही है आप लोगों ने सुनी लिया कितनी बातें चल रही है तो अब हम लोग इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ अगर आपने व्लॉग यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और थम्स अप दे दीजिएगा शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा एंड हाँ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बेल तो मारने को बोलो पहले सब्सक्राइब तो करवा लो फिर बेल लगाऊंगा ना सब्सक्राइब कर लिया तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और अगर कर लिया है तो अनसब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लिया है तो वेरी गुड नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलना अभी विल सी यू इन अवर नेक्स्ट व्लॉग टिल देन बी स्टे ग्रेटफुल स्टे हैप्पी स्टे सेफ बाय गाइस बाय